महेश भाई कहां गए? वो लिस्ट थी ना मेरी, कहां गई यार? शुभम यहां पड़ी थी ना बेटा? हाँ 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 यही है। लो ये ले लो आप। चलिए भाई श्री गजेंद्र जी अजमेरा, मेरी आपसे भी विनती है मंच पर पधार जाएं। आपने स्पेशल सॉन्ग गाया है दादा के लिए, सही है ना? ध्यान तो सब रखता हूं यार। अभी इस वक्त आपके समक्ष श्री अर्जुन जी राणा अपना गान पेश कर रहे हैं, इनके बाद श्री तेजपाल नरवर तैयार रहे। श्री गजेंद्र जी अजमेरा कहां है? जो लोग यहां हाजिर हो उनका नाम आवे तो अच्छा है ना। हेलो जी, हेलो 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 हेलो, राम श्री राम, छिक छिक जय हो। सर्वप्रथम बिखरनिया गांव की इस पावन और पवित्र धरा को सादर प्रणाम करता हुआ गुरुदेव श्री कालूराम जी बिखरनिया के चरणों में सत सत वंदन नमन करते हुए एक बार सभी से आदेश चाहूंगा, जहां तक मेरी नजर पड़ रही है, जहां तक इस लक्की साउंड सिस्टम की आवाज आ रही है, एक बार दोनों हाथ सिरा ऊपर करके जोरदार की जयघोष करें आप सभी। बोले गुरुदेव श्री कालूराम जी बिखरनिया की। देखिए जिस भाव से आप यहां पर आए हो और जो श्रद्धा दादा के चरणों में लेकर आए हो, उसके लिए बिल्कुल दोनों हाथ सीधे आसमान की ओर हो जाएं। बिल्कुल एक बार जो जो चाहता है, गुरुदेव से प्रेम करता था, बिल्कुल दोनों हाथ सीधा ऊपर करें एक बार। मंच पर भी बैठे सभी से निवेदन करूंगा मैं, साउंड वाले से सभी से, बोले गुरुदेव श्री कालूराम जी बिखरनिया की जय हो। सभी संतों की, सभी भक्तों की भी जय हो। कैसे मैं करूं वंदना, ना सुर है ना बाज, आज परीक्षा है मेरी, आज परीक्षा है मेरी, गुरुवर रखियो मेरी लाज, बिखरनिया गांव कौन जाने तो, और छोटो सो एक गांव, कालूराम
राम जी धाम चलाई, जीरो चारों खूट में नाम, संगत कीजिए संत की, और क्या अनुग्रह काम, अनुग्रह ले जावे नारी, और संत मिला भेरा। जो पेड़ उसने लगाया पहले, उस प्रभु ने एक ऐसा पेड़ लगा दिया इस दुनिया में, इस राजस्थानी जगत में एक ऐसा सितारा भेज दिया कि उसी का फल हम पा रहे हैं। जितने भी दादा के शिष्य हैं, जितने भी श्रोतागण हैं, वो उसी पेड़ का फल पा रहे हैं। जो पेड़ उसने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही है सृष्टि चला रहे। जो पेड़ उसने लगाया पहले, जो पेड़ उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही है सृष्टि जला रहे हैं। इसी धरा से समीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा से समीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का, एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही है सृष्टि चला रहे। देखिए आज ये जो मेला लगा है, दादा तो चले गए लेकिन उनकी यादें हमें अभी भी आ रही है। कुछ मत कहो आप, मैं यही कहूंगा
कि जितने भी दादा के भक्त हैं जो उनसे प्रेम करते थे, और सबसे पहले इस बिक्रनिया गांव के दानदाता सरपंच साहब और पूरे ग्रामवासी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, जितने भी दादा फैंस क्लब के कार्यकर्ता हैं, परिवार के हैं, जो इस कार्यक्रम को इतनी ऊंचाइयों तक लेके आ गए। एक बार मैं चाहूंगा दादा के नाम पर एक बार दोनों हाथ सीधा ऊपर करें, मीठी मीठी ताली बजाएं आप सभी। जो पेड़ उसने लगाया पहले, जो पेड़ उसने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया है वो फिर से नाना। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो बेचने वाले हैं यहाँ पे आज, दादा को भगवान की भी जरूरत थी, भगवान को भी दादा की जरूरत थी, इसलिए दादा को अपनी शरण में बुला लिया है। गुरुदेव तो अमर है। जो बेचने वाले हैं यहाँ पे, और वही तो वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। बैठे हैं जो धाम की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में, हर डाल हर पत्ते में समाकर, हर डाल हर पत्ते में समाकर, गुल बिरंगे फूल खिला। रचा है सृष्टि ओ जिस प्रभु ने, रचा है सृष्टि ओ जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ उसने लगाया पहले, उसी का
फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि ओ जिस प्रभु ने, रचा है सृष्टि ओ जिस प्रभु ने, वही है सृष्टि चला रहे हैं। प्रभु ने वही है सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ उसने लगाया पहले, जो पेड़ उसने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। अच्छा है सृष्टि वो जिस प्रभु ने, वही है सृष्टि चला रहे। और अंत में एक दादा के लिए, उनके जो भाव, जो उनकी पहचान थी, वही एक लाइन गा रहा हूं मैं। आनंद संत फकीर करे, आनंद संत फकीर करे, अरे जो आनंद संत फकीर करे, जो आनंद नाही अमीरी में, आनंद संत फकीर करे। गुरुदेव हो गुरु, गुरुदेव बोले दादा श्री कालूराम जी बिखरण्या की जय हो। हेलो, हमारे बीच में पूर्व सरपंच श्री रामनिवास जी भावू साहब भी यहां पर उपस्थित हैं, ऊपर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है सरपंच साहब के लिए, तालियां बजा दीजिएगा, एक नहीं दो दो। वर्तमान भी है और पूर्व भी है, जब दोनों मिल जाते हैं ना तो अभूतपूर्व काम हो जाता है। और ये अभूतपूर्व काम यहां पर हो रहा है, ये बिखड़िया ग्रामवासियों का बहुत बड़ा अहोभाग्य है। हमारे बीच में श्री रामलाल जी जांगीड़ चेन्नई वाले, उन्होंने ऑनलाइन 5100 रुपए की राशि आए बैठे हैं क्या, वेरी गुड। वो भी कलाकारों का दास है मेरी तरह। अरे वाह राम जी, क्या बात है, आपके दर्शन हो गए, वेरी गुड। हमारा साउथ में कहीं भी कार्यक्रम होता है तो वो आते ही हैं, ठीक है। हमारे बीच में सुर लहरी, आज तो सब सुर लहरी है ना, डॉक्टर दीपेश ने बताया ही था ना। तो आज की तारीख में यहां जितने भी लोग हैं, लगभग सभी लोग सुर लहरी ही हैं। मेवाड़ के सुर लहरी बता सकते हैं कौन है, लहरूदास जी वैष्णव, नानी बाई का मायरा छोड़ करके और यहां मायरा बढ़ने आए हैं। जोरदार तालियां बजा दीजिएगा, कहां बैठे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी इन दिनों इनका लाइव मायरा चल रहा है राजसमंद के अंदर, और मैं हो गई कल, मैं बराबर सुन रहा हूं, बहुत अच्छी बात है। प्रतिभा किसी की बपौत ही नहीं होती है, और जिसमें टैलेंट होता वो आगे निकलता है। और जब अपना रास्ता यही है तो हम इन रेस्पेक्ट ऑफ मल्टीपर्पज वेज वी वांट टू गेट अवर डेस्टिनेशन। आपको बहुत दिल से बधाई देता हूं, बहुत ही सुंदर आपका एक्सप्रेशन था,
so very unforgettable and appreciable also. Thank you. चलिए अब मैं थोड़ा काम पे आना चाहूंगा, सारी बातें रात भर चलती रहेगी। इसमें से एक कागज निकाल दे, बाकी सब देखिए। सरपंच साहब आदरणीय बिहार राम जी, एक मिनट यहां आइए। हमारे ग्रामवासियों ने सरपंच साहब को साथ में लेकर, मैंने आपको अभी एमएलए साहब शोभा जी की उपस्थिति में बताया कि गत वर्ष जब हम यहां पर आए थे, बिया राम जी से मेरी बात हुई और उन्होंने केवल बात को बात तक नहीं रखा है, केवल 10 महीने 11 महीने के पीरियड में ये इतना बड़ा काम करके दिखाया है। ये काम अपने आप में यो ही नहीं होता है, ये काम कलाकार के प्रति, गांव के प्रति अंतर में भाव होना चाहिए। और इस भावना से मैं तमाम राजस्थान के कलाकारों की ओर से, मैं दोस्तों से निवेदन करना चाहूंगा, कलाकार भाइयों से, कि जोरदार तालियां बजा करके न केवल इनको बधाई दें, इनको आशीर्वाद भी दें। ये एक ऐसा व्यक्ति है राजस्थान, संपूर्ण राजस्थान के लोकतंत्रात्मक गणराज्य में, गत वर्ष जब यहां पर ग्राम के, ग्राम पंचायत के चुनाव हुए, तो इन होल राजस्थान, संपूर्ण राजस्थान में गांव की जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक वोटों से जीतने वाला खिलाड़ी हमारे बीच में यहां पर उपस्थित हैं। और अभी तो आपको साक्षात कलाकारों का और मां शारदे का आशीर्वाद है, तो आप सरपंच तक ही रहने वाले नहीं है, आप कितना आगे जाएंगे ये आने वाला समय बताएगा। क्योंकि जब आदमी लोकोपकारी कार्यों में अपने जीवन का कुछ अंश अर्पित करता है, अपने लिए, परिवार के लिए तो दुनिया करती है, उनको कोई नहीं पूछता है। ये कालू राम जी ने अपना जीवन जिया, अपने परिवार को भी चलाया, अपने आप को भी चलाया, लेकिन राजस्थान का कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कालू राम जी को प्यार नहीं करता हो। और इसी प्यार का ये नतीजा है कि आज एक साल बीतने के बाद भी, अभी कोरोना काल के बाद में कलाकारों की थोड़ी सी जागृति आई है, थोड़ी सी उनके चेहरे पे रौनक आई है, मगर उन तमाम कामों को, हम कामकाज को छोड़कर सभी कलाकार आज हमारे बीच में हैं। बाबा मोइनुद्दीन जी मनचला ने, श्रीमान श्री प्रकाश जी वैष्णव ने, हमारी बहन आशा जी, श्रीमान प्रकाश जी माली ने, आशा जी वैष्णव ने, बहुत से जितने भी हमारे सीनियर कलाकार हैं, सभी के साथ में संवाद करने के बाद आदरणीय सरपंच साहब से बातचीत हुई और सरपंच साहब ने अपने ग्रामवासियों से बातचीत करके ये तय किया कि यहां पर ये जो स्मारक बना है, इस स्मारक के अंदर हम देवादिदेव गजानन जी महाराज की एक बहुत ही सुंदर नयनाभिराम, न केवल दर्शनीय, मेरी बात को सुनते जाना, न केवल दर्शनीय लेकिन नित्य प्रातः और संध्याकालीन आरती के साथ में उसको वंदनीय, प्रतिष्ठा करने की भावना इन्होंने रखी है कि इतना बड़ा स्मारक हमने बना दिया, 2.5-3 बीघा जमीन देने की हमारी घोषणा हो चुकी है, तो क्यों नहीं इसको देवस्थान के रूप में हम जो है विकसित करें और शस्य श्यामल हरी भरी धरा के बीच बहुत ही सुंदर जो है यहाँ पर बगीचे का निर्माण हो और उसके बीच में ये देव मंदिर, और देव मंदिर के सामने अरदास करता हुआ ये कालू भगत, देव मंदिर के सामने अरदास करता हुआ ये कालू भगत, जब ये पीढ़ियां बीतेगी तो ये जितने भी कलाकार यहां मेरे सामने बैठे हैं ना, इनमें से भी कोई एक दो कालूराम बनने की कोशिश करेंगे। यह तो जीने के लिए लोग जिया करते हैं और लाभ जीवन का नहीं फिर भी तो लिया करते हैं, अरे मौत से पहले भी मरते हैं हजारों, मगर जिंदगी है उनकी जो मरकर भी जिया करते हैं। ये सीन हमारे बीच में है और इसमें निमित्त अगर कोई बना है, अगर कोई इसमें निमित्त बना है तो ये हमारे सरपंच साहब बने हैं। इनके इनके अटल इरादों के फलस्वरूप, इनके संकल्पों की पराकाष्ठा को हम सभी ने महसूस किया और इनसे आज्ञा लेकर के, और इन्होंने जो तय किया, गांव ने जो तय किया, उसको हम प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन के रूप में आज यहां पर प्रस्तुत करने की हमारी तैयारी है। चलिए, तो ये स्मारक जो आपके सामने हैं, इसमें गजानन जी महाराज की कल सवेरे करेंगे ना,
कल सवेरे हम एक प्रतिमा जी स्थापित करेंगे और उसका रोज सुबह और शाम आरती होगी, पूजा होगी और एक देव मंदिर की तरह से इसका जो है पूरा संचालन हमारे सरपंच साहब गांववासियों को साथ में लेके करेंगे। ठीक है, हमारे दादा कालूराम जी बिखरनिया को मैं एक बार सत सत नमन करता हूं और सामने बिराजोड़ा गांव पदरजोड़ा बाहरू आस पास रहा गांव पदरजोड़ा सब भाई लोगों ने बहना ने और माताओं ने सब ने एक बार बहुत बहुत आभार प्रकट करूं कि आप इतनी संख्या के मैं कालू दादा ने आज श्रद्धांजलि देवा ने पहुंचा और थे इतना पधारिया तो आज अतो है कि कालू दादा ने वास श्रद्धांजलि मिली है। मैं गायक कलाकार आपने बड़ा बड़ा राजस्थान इंडिया सारी जगह पधारियोड़ा एने मैं एक बार बहुत बहुत आभार प्रकट कर इनको कि आप पधारिया कालू दादा के वास्ते टाइम निकालियो। तो मैं और भी आपने कहनी चाहूँ कि हमेशा कालू दादा ने याद रख जो और ये कालू दादा के जो आपको पहले मिले थे आप भाई लोग सब इनसे और उन्हीं के जो बताए हुए कदमों पे चल रहे हो तो मैं आपको एक बार ये कह रहा हूँ कि इनके जो बताए हुए कदमों पे चलोगे तो एक बार कालूराम बिखरनिया की तरह आप भी इस इंडिया के नहीं पूरे देश में आप गूंजोगे। हम तो क्या मेरे भी बहुत अच्छे प्रेमी थे सर, तो मैं तो बहुत बहुत सत सत नमन करता हूँ इनको और मेरा बहुत अच्छा सहयोग किया था इन्होंने और गांव वालों ने तो क्या बोले पूरा पूरा अर्पित है हम कालू भाई के लिए और आप इतने लोग पधारे उनका हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और आपने बताया हमारे दिल में है कालूराम जी तो हम यहाँ जो जगह है इनको एक बार जब तक मेरा कार्यकाल और इस जनता का कार्यकाल रहेगा तब तक यहाँ रौनक आपको दूसरी मिलेगी। यहाँ पानी की कुछ है तो यहाँ हमारे पास में श्री खेमदास जी महाराज का स्थान भी है और ये एक स्थान और बन गया तो हम तो यहाँ बिखरने स्वर्ग में है। संतों का आशीर्वाद कालू भाई का आशीर्वाद रहा तो यहाँ एक ट्यूबवेल भी करवाएंगे और उसी पानी से यहाँ हरा भरा सब बिखरने रहेगा, बिखरने पंचायत रहेगी। मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ आपको बिल्कुल आरती होगी यहाँ और हम सब यहाँ के मिलजुल के कालू दादा की इस मूर्ति का हमेशा सज धज के प्रोग्राम भी कराते रहेंगे और जितना मेरी तरफ से सहयोग होगा वो मैं पूरा सहयोग करूंगा इनके लिए। मैं एक बार इस मंच के माध्यम से 41,000 रुपये और प्लस यहाँ के आसपास में जो मूर्ति बनी हुई है उनके सीसी ब्लॉक लगाने का काम मेरा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक क्यों बोले, एक 11 बोल जाए तो 11 तो मेरी भाषा है ऑल इंडिया में, क्योंकि मैं किसी को दबाव में नहीं डालता, ना किसी को दबाता हूं ना कोई बात है, मैं मेरी मेहनत करके निकलता हूं। 1-11 अरे यार ये कह रहे कि 51 कर दो नहीं बोले हैं लीजिए मुझे आदेश मिला है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, अभी चढ़ावे कराने बाकी है और चढ़ावा पहला इनको ही देने वाला हूं, क्योंकि देखिए दबाव की बात नहीं है। जो आपने स्वेच्छा से बोला है, कितना बोला इन्होंने, नहीं स्वेच्छा से खुद ने क्या बोला था, बेवकूफ मत बनाओ। देखो इन्होंने कहा था कि 41,000 रुपये दूंगा, सीसी ब्लॉक बनवाऊंगा और आगे भी, अभी तो 4 साल का पीरियड बाकी इनका। मैं तो आपको कह रहा हूं कि ये सवाल पैसों का नहीं है, पैसा तो अभी कितना इकट्ठा करवाता हूं आप खुद देखते रह जाएंगे, मगर मैं ये कह रहा हूं कि आपने कहा कि कालू भाई ने मेरा बहुत साथ दिया इसलिए कालू भाई के लिए मैंने इतना जबरदस्त काम किया, ये आपका काम बोल रहा है। इन बिटवीन ए ईयर ओनली, एक वर्ष के अंदर 11 महीने के अंदर आपने इतना बड़ा करके दिखा दिया, आपने पूरे राजस्थान के कलाकारों का दिल जीता है, इस गांव को राजस्थान का कोई कलाकार कभी भूल नहीं सकता। आप जब जब जो जो आयोजन करेंगे उसमें ये कलाकारों का समूह आपके साथ में रहेगा। लेकिन मैं ये बात भी कह सकता हूं कि कालू भाई के साथ साथ में
आप केवल ये ना कहें कि मेरा कार्यकाल मेरा, आपने तो अपना कार्यकाल तो क्या अपना जीवन धन्य कर दिया यार। मतलब जब तक गगन में चांद और दरिया में है पानी, जिंदा रहेगी काड़ू भाई के साथ में सरपंच साहब भैया राम जी की भी ये अमर कहानी है, इसको कोई नकार नहीं सकता। ये पूरा गांव आपके सामने बैठा है। अभी तो आप 2300 वोटों से जीते हैं, अगली बार जब आप आएंगे तब आपको खुद को लगेगा कि अब मेरे को कोई जो है ये सलमा सितारे जो चमकते हैं ना, इनकी अगर कोई गणना करे, इनकी कोई गिनती करे तो आपके वोटों की गिनती हो, इतने वोटों से आप आ जाएंगे। क्योंकि आपका जीवन परमार्थ की ओर है, आपका जीवन परमार्थ की ओर है, और जो औरों के लिए जीता है उसको जीवन में कभी कोई कमी नहीं आ सकती है। तू निर्बल और गरीबों का दिन मान बने तो मैं जानूं, अभिशप्त हुए कुछ लोगों का वरदान बने तो मैं जानूं, तुम लाख ताकतवर हो लेकिन भगवान नहीं बन सकते हो। तुम लाख ताकतवर हो लेकिन भगवान नहीं बन सकते हो। इंसान के खातिर दुनिया में इंसान बनो तो मैं जानू मित्रों। इसलिए इंसानियत का ताज आपके सर पे सजा रहे, इसी भावना के साथ में एक बार मेरे साथ में बोलिए गजानन जी महाराज की। तो कुछ चढ़ावे इस प्रतिष्ठा सुबह होने वाली है, ठीक है ना, इसलिए हमने ज्यादा तो नहीं है लेकिन कोई 5-10 चढ़ावे हैं, और उन चढ़ावों की शुरुआत हम कर रहे हैं। चढ़ावे लेने वाले भाग्यशाली को सुबह यहां पर उनके द्वारा, उनके प्रतिनिधि के द्वारा हम जो भी लाभ लेगा उसका हम जो है उसको लाभ देने वाले हैं। सबसे पहला चढ़ावा गजानन जी को विराजमान करने का है। हाँ यही कर रहा हूं, क्योंकि गजानन जी सबसे पहले महेंद्र राजा नहीं है, मूड में तो है, हाँ नहीं तो बहुत है आज तो मेरे पास, ठीक है ना। चलो थोड़ा अलर्ट रहना सभी लोग मेहरबानी करके। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब आपको, इनकी घोषणा हो गई है जो आपने कहा है, तो सुनिएगा। सबसे